वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा को सोल्व करेंगे। अब न्यूमेरिकल सिंपल सा भी हो सकता है, किस तरीके से कि मैन्युफैक्चरर कोई कैन सेल, ठीक है ना, एक्स आइटम है, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम है एक्स है यहाँ पर, एट ए प्राइस, कितना प्राइस है इतना, 5 - x/100 ईच, मतलब एक का। अब जितने भी होंगे टोटल कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है, कितने टोटल सेल या फिर कहो कि टोटल रेवेन्यू, सही है ना, टोटल रेवेन्यू किस तरीके से, जैसे लेट कर लिया हमने आर ऑफ एक्स, इस तरीके से चॉइस है यहाँ पर, ठीक है ना, कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हो, जैसे रेवेन्यू को जैसे आर से रिप्रेजेंट करें इस वजह से, ठीक है ना, तो यही सॉल्यूशन है, इस तरीके से सोचना है, ठीक है। टोटल रेवेन्यू कितना होगा, अब एक की सेलिंग प्राइस इतनी है, अब जितने होंगे उतनी हो जाएगी लेकिन मल्टीप्लाई में, सही है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो एक्स इंटू में जितने भी होंगे, ठीक है, एक की सेलिंग प्राइस इतनी है, जितने भी होंगे मल्टीप्लाई कर दो, इस तरीके से, सही है, बेसिक सी बात है ये तो, ठीक है। अब आगे दी कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस इन एक्स आइटमों की इतनी है, ठीक है ना, किस तरीके से कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, इस तरीके से कॉस्ट प्राइस, जैसे सी ऑफ एक्स मान लिया हमने, कितनी है वो गिवन है कि एक्स बाई 5 + 100, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर फाइंड नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब ये एक्स निकालना है, इस तरीके से सोचना है, एक्स निकालना हमें, कब ही शुड सेल, ठीक है, टू अर्न मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम तो शो करना, मैक्सिमम कहाँ से पता चलेगा, सीधी सी बात है, सेकंड डिफरेंशिएशन से, ठीक है ना, सेकंड डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ जाए तभी होगा मैक्सिमम, ये बातें हम सीख चुके हैं। लेकिन क्या प्रॉफिट, ठीक है ना, प्रॉफिट होना चाहिए, वो क्वांटिटी क्या है कि प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को जैसे पी मान लिया, ये बातें हम लेट करके चलेंगे, ठीक है ना, पी ऑफ एक्स मानना चाहते हो, क्यों, क्योंकि फंक्शन एक्स में दिख रहा है, इस तरीके से, या फिर डायरेक्ट पी लिखो, इस तरीके से, ठीक है, ये तो ही इसकी बात, मतलब हमें तो एक्स निकालना है, और इस डिफरेंशिएशन का यूज करके, किस वजह से यूज करके, इस मैक्सिमम वर्ड की वजह से, सही बात है, यही कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है। और साथ के साथ ये नंबर ऑफ आइटम भी निकालने हैं, एक बात हमें पता होना चाहिए कि सेकंड डिफरेंशिएशन तो मैक्सिमा और मिनिमा का बताएगा, और जो पहला डिफरेंशिएशन होता है, सीधी सी बात, वो तो या तो आंसर होगा या फिर आंसर के काम आएगा, वो आंसर यही है कि एक्स निकाल लो, इस तरीके से सोचना है, ठीक है। तो बस यहाँ पर टोटल रेवेन्यू इतना है, मतलब जितने सेलिंग प्राइस होगी टोटल, ठीक है, कॉस्ट प्राइस इतनी है, इस तरीके से एक्स बाई 5 + 100, इस तरीके से, ठीक है, लेकिन हमें तो निकालना है प्रॉफिट, ठीक है, उसको मैक्सिमम सेव करना, जिसको मैक्सिमम या फिर मिनिमम सेव करना उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, तो प्रॉफिट जैसे ये मान लिया, लेट कर लिया, तो प्रॉफिट इस तरीके से, ठीक है। अब इसके लिए क्या कहा था, जिस भी चीज़ को मैक्सिमम या फिर मिनिमम सेव करना लेफ्ट हैंड साइड रखो, और राइट हैंड साइड में फॉर्मूला पुट करना है, सही है ना, फॉर्मूला पुट करना। अब सीधी सी बात है, प्रॉफिट होगा कब, अब ये बात खुद भी सोचनी है कि प्रॉफिट होगा कब, सीधी सी बात है, जितनी सेलिंग है वो ज़्यादा हो, प्रॉफिट तो तभी होगा ना, मतलब जितने सेलिंग प्राइस है, इस तरीके सोचना कि जितनी सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा हो जाए, किससे, कॉस्ट प्राइस से, सही बात है, कॉस्ट प्राइस को या फिर एक्सपेंडिचर को, इस तरीके से, ठीक है ना, मतलब खर्चे से ज़्यादा हो जाए सेलिंग प्राइस, इस तरीके से, ठीक है। हाँ, इसको हम रेवेन्यू भी कह देते हैं, इस बात वही है, बस ये बात समझनी है। तो इस बात का मतलब प्रॉफिट कब होगा, जब इस सेलिंग प्राइस में से, अब ये बात कहाँ से लिख दी कि टोटल रेवेन्यू को या फिर सेलिंग प्राइस में से, आर एक्स में से, सीधी सी बात, हम ये खर्चा माइनस कर दे, या फिर जो कॉस्ट प्राइस गिवन है, ठीक है, वो माइनस कर दो, इस तरीके से सोचना था, ठीक है। तो मतलब जो ये प्रॉफिट होगा कब, जब टोटल रेवेन्यू में से क्या माइनस करें, कितना खर्च हुआ, कॉस्ट प्राइस, मतलब सी ऑफ एक्स माइनस कर दे, ये था वो बेसिक फॉर्मूला, इस तरीके से, कभी इस तरीके का भी न्यूमेरिकल हो सकता है, ठीक है। बस यहाँ पर आगे सिर्फ कैलकुलेशन रहेगी, किस तरीके, क्यों रहेगी यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन, जैसे यहाँ पर वैल्यू पुट करो, अब यहाँ पर आर ऑफ एक्स कितना था, ये रहा टोटल रेवेन्यू, ये था एक की सेलिंग प्राइस इतनी थी, जितने भी होंगे मल्टीप्लाई कर दो, एक्स इंटू में इतना ही है, 5 - x/100, सही है, और यहाँ पर माइनस का साइन दोनों के साथ है, ये माइनस साइन तो इस तरीके से लिखना, सिर्फ कैलकुलेशन रहेगी आगे, ये माइनस साइन दोनों के साथ है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर कितना होगा, 5x, एक्स के मल्टीप्लाई कर लो अंदर, माइनस का साइन यहाँ पर, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर बाई 100, ठीक है, एक्स स्क्वेयर बाई 100, और माइनस एक्स बाई 5 - 100, अब लेफ्ट हैंड साइड में तो ये एज इट इज है,
अब यहाँ पर सिंपल पी भी समझ सकते हो, तो इसे यहाँ पर प्रॉफिट को सिंपल पी लेना चाहते हो, क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन मतलब कुछ इस तरीके का आ जाएगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, या फिर इस तरीके से लिखना चाहते हो, बात वही रहेगी, ठीक है, बात वही रहेगी इस तरीके से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम सोल्व कर सकते हैं, क्यों सोल्व कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल है और यही चाहिए था हमें, तो जो ये प्रॉब्लम की बात की थी हमने, कि क्या कहा था हमने कि कम से कम दो इक्वेशन हो, सही है, लेकिन ये बात अप्लाई होती कब है ये भी तो सोचना है ना, दो इक्वेशन वाली बात होती कब है, जब दो वेरिएबल भी तो होने चाहिए ना उसके लिए, बात सही है ये, ठीक है ना, बस इस तरीके सोचना है, जब दो इक्वेशन की बात करेंगे उसके लिए तो दो वेरिएबल भी तो होने जरूरी है, वो है नहीं यहाँ पर, तो सिर्फ एक वेरिएबल की बात हो रही है, इस वजह से यहाँ पर वो चीज़ ये सेकेंड इक्वेशन की बात होगी नहीं, ठीक है, बस डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो इस तरीके से, आगे कैलकुलेशन किस तरीके से, आगे यहाँ पर पहला डिफरेंशिएशन निकालेंगे, मतलब इस तरीके से डी एक्स, ठीक है, कैलकुलेशन है यहाँ पर, सबसे पहले इसका 5x का कितना हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 5 होगा, सही है, माइनस का साइन, एक्स स्क्वायर बाई 100 का, 1/100 तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का मतलब कहीं पर भी एक्स ना हो, इससे मतलब हमें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, सही है, तो यहाँ पर 1/100 एज इट इज, एक्स स्क्वेयर का पावर रूल से, पावर रूल से मतलब पावर आगे पावर में से एक कम, 2x, सही है, और इंटू में एक्स का भी होगा, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा, जैसे यहाँ पर था 5 × 1 था एक्चुअल में, तो यहाँ पर सेम बात, यहाँ पर माइनस का साइन इस तरीके से, एक्स बाई 5, 1/5 कॉन्स्टेंट, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा, यहाँ पर इस -100 में कहीं पर भी एक्स नहीं है, इसलिए इसका 0, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 5 तो कॉन्स्टेंट तो है, लेकिन साथ में कुछ एक्स से मतलब है, मतलब फंक्शन साथ में होना चाहिए या फिर वेरिएबल को, इस तरीके से, ठीक है, तो डी पी मतलब पहला डिफरेंशिएशन इतना आ चुका है, ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये है कि डी पी बाई इस तरीके से पहला डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, कितना आया हमारे पास, सिर्फ कैलकुलेशन है यहाँ पर, ठीक है, जैसे हमारे पास राइट हैंड साइड में था 5 फैक्टर था, यहाँ पर 1/100 एक्स स्क्वेयर का 2x था, और इस तरीके से सिर्फ कैलकुलेशन, ठीक है, अब इसको सोल्व करके क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1/5, एलसीएम ले लो 5, ठीक है, और यहाँ पर 5 जैसे यहाँ पर 1 है, तो कैलकुलेशन है 5 × 5 = 25, -1 तो 24/5, और इसको अलग से रख लो क्योंकि इसमें एक्स है इस वजह से, ठीक है ना, तो यहाँ पर 2/100 1/50 तो x/50 कैलकुलेशन है, ये तो सिर्फ इससे अगला काम पुट करना हमने किसको, पहले डिफरेंशिएशन को, ठीक है ना, पहले डिफरेंशिएशन को पुट करेंगे 0 के बराबर, बस कुछ भी रिजल्ट हो उसको 0 पुट करो, सीधी सी बात तो ये है, ठीक है ना, 24/5 -x/50 को 0 के बराबर पुट कर दो, और यहाँ से x निकाल लो, जो भी वेरिएबल है x निकाल लो, ठीक है, तो यहाँ से 24/5 एज इट इज, और ये इस साइड माइनस का, राइट हैंड साइड प्लस का हो जाएगा x/50, ठीक है, यहाँ पर जैसे 5 से ये कैंसिल हो रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फिर, तो इस तरीके से 240, ठीक है ना, और यही चाहिए था हमें, और इसलिए कहा था कि पहला डिफरेंशिएशन किसके काम आएगा, आंसर के, और वो आंसर यही तो है कि कितने वो प्रोडक्ट होने चाहिए, ठीक है ना, इस तरीके से एक्स है 240, ये तो हुआ पहले आंसर की बात, इससे अगला काम डबल डिफरेंशिएशन भी तो निकालना है, ठीक है ना, किसके लिए, मैक्सिमम शो करना है इस वजह से, ठीक है, तो अब यहाँ पर सीधी सी बात, एक बात याद रखना, जब भी मतलब जब भी चेक करने की बात आई, ठीक है ना, चेक करते ही मैक्सिमम या फिर मिनिमम को हम, सीधी सी बात तो ये है, ठीक है, और वहाँ पर सीधी सी बात है डिफरेंशिएशन का तो यूज होगा इस तरीके से, ये बात हमने सीखी थी, ठीक है, जब भी चेक करने की बात आएगी, बस यहाँ पर पहला डिफरेंशिएशन है, अगेन डिफरेंशिएट कर दो यहाँ पर, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल होना चाहिए इसका एक्स तो, इस तरीके से, ठीक है, तो बस यहाँ पर डबल क्या इस तरीके से हो जाएगा ये सिंबल, और यहाँ पर जो भी क्वांटिटी है इस तरीके से, इसका स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हो इस तरीके से, या फिर कहो कि इस पूरे का स्क्वायर, कंफ्यूज हो रहे हो तो, या फिर सिंपल पी भी लेट करके चल सकते हो, क्योंकि ये प्रॉफिट ये वेरिएबल हमने सेलेक्ट किया था इस वजह से, ठीक है, अब यहाँ पर बस ये इक्वेशन, ठीक है, बस इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसमें 5/5 में कहीं पर भी एक्स नहीं तो 0, ठीक है, यहाँ पर 2/100 मतलब 1/50 कॉन्स्टेंट, लेकिन साथ में एक्स है इस वजह से 1, ठीक है, नहीं तो इसका भी 0 होता, −1, और −1/5 इसमें कहीं पर भी एक्स नहीं इसलिए इसका भी 0, ठीक है, तो क्या है आंसर, −1/50 इस तरीके, लेकिन है क्या माइनस,
सही है, मतलब नेगेटिव और इसका मतलब जीरो से छोटा, और यही सीधी सी बात है, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ जाए तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि मैक्सिमम का केस होगा इस तरीके से, ठीक है। और ये बात भी हमने डिस्कस की थी कि कभी ऐसा ऐसा केस नहीं मिलेगा कि डबल डिफरेंशिएशन, सही है ना, कि डबल डिफरेंशिएशन जीरो हो जाए, वैसे ये पॉसिबल है, ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है। तो उसके लिए सोल्व करने का तरीका, या तो हायर ऑर्डर पर जाओ, मतलब सेकंड से थर्ड, फिर फोर्थ, मतलब वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड है, सही है, या फिर वापस फर्स्ट पर भी आ सकते हो। लेकिन ऐसा केस होगा नहीं, कब, जब ये प्रॉब्लम के न्यूमेरिकल कर रहे हैं, मतलब कोई स्टेटमेंट का न्यूमेरिकल हो, कब जब हमने फंक्शन खुद लिखना हो इस तरीके से, ठीक है। जो पहला काम तो ये था कि फंक्शन लिखेंगे, इस तरीके से सोचना था, ठीक है, आगे सिर्फ कैलकुलेशन रहेगी, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।